गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद राहुल गांधी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। आज कई कार्यक्रम यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज के दिन जो राहुल गांधी के सिलसिले में जो आज नौजवानों की, किसानों की, बुजुर्गों की, दिलों की धड़कन है, और जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जमीनी स्तर पे लोगों की परेशानियां सुनी और उनके समाधान करने के लिए आवाज़ यहाँ पे उठाई। सरकार आज की सत्ताधारी पार्टी कुछ भी कर ले, भाजपा के विधायक को आगे करके जिस ढंग से उनको कोर्ट कचहरियों के चक्कर में घुमाने का प्रयास यहाँ पे करती है, और आज भी जो फैसला आया उनकी सजा बरकरार यहाँ पे रखी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, राहुल गांधी हो, इन चीज़ों से घबराया नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस ने शहादत भरा इतिहास लिख के दिया। आज हम सब लोग बॉर्डर पे भी, यहाँ पे आप सब लोगों के साथ सम्मिलित करते हुए विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे करते हैं, और उनके हक में, समर्थन में हम सब लोग मिलजुल के, ताकि उनके हौसले बुलंद रहें, कुछ भी हो, लेकिन अनबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा कांग्रेस जरूर खटखटाएगी, ताकि वहाँ से हमें इंसाफ मिले। हमें भारत की जुडिशरी पे पूरा भरोसा है कि वो वही फैसला करेगी जिसमें आम लोगों के हितों की बात यहाँ पे हो, वो महसूस करेगी कि राहुल गांधी जिस ढंग से वो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही गुहार लेंगे कि हमें इंसाफ मिले और राहुल गांधी जी को इंसाफ मिले। इन चीज़ों से हम सारे साथी हम महसूस करते हैं कि राहुल गांधी जी के हौसले और बुलंद होंगे। आज सरहदों से आवाज जाएगी, आज जम्मू शहर में भी विरोध प्रदर्शन उसके साथ में राहुल जी के समर्थन में जगह जगह नुक्कड़ मीटिंगें, जनसभाएं यहाँ पे होगी कि राहुल जी अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। हम सब लोग उनके साथ यहाँ पे हैं, पूरी लीडरशिप उनके साथ यहाँ पे है, और उनके हौसले बुलंद हुए। कुछ भी सरकार आज की सत्ताधारी पार्टियां कर ले, लेकिन राहुल गांधी जी उभरते हुए नेता, हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में पूरी विपक्ष को एकजुटता करते हुए 2024 में भी हिंदुस्तान में जरूर बदलाव आएगा, और राहुल जी पे ये सिरा उस पर बनेगा। हम सारे लोग इकट्ठे होंगे राहुल जी के समर्थन में हर जगह पे, जो उनकी सोच थी, जिन सोच को लेके उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, आज हिमाचल कांग्रेस के कब्जे में आया, आज कर्नाटक हमारे कब्जे में आया, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार होगी, और जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी, जब भी चुनाव करवाएं उस पर कांग्रेस ही सरकार में सत्ताधारी बनेगी। आम लोगों को जो जख्म भाजपा ने यहाँ पे दिए हैं, आज लोग अगर आप तुलना करो लोकल हमारे मेंबर पार्लियामेंट मदन लाल शर्मा जी का योगदान, या आज के दो दो टर्म निभाने वाले योगदान, क्या हमें हासिल हुआ? आज हमारे लोगों का रोजगार छीना गया, लोगों की जमीनें घर में बैठे हुए उनकी जमीनें छीन ली गई, हर जगह पर महंगाई की मार से, लेकिन कोई भाजपा का सांसद हो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला कि 400 रुपए सिलेंडर देने की जरूरत है, और 1200 रुपए का सिलेंडर, टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो क्रॉस कर गया। तो भाजपा का कोई MLA कोई विधायक इतनी ताकत उनको दी कि देहातों में जो हम लोग जो लोग हैं उनकी नरेगा की भी लाइबिलिटी ये पूरे लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की घोषणा हो। G20 के मुल्क आते हैं वो सारे कश्मीर में, लेकिन जम्मू में किसी ने भी, भाजपा के लोगों ने कोशिश नहीं की कि G20 के लोगों को जम्मू में भी चक्कर लगाया जाए, ताकि हम भी जम्मू संवार सकें। हर लिहाज से भाजपा को ताकत मिली, और उसी ताकत से भाजपा ने जम्मू कश्मीर आवाम के पीठ के पीछे छुरा को पाया। आज सब में आ गया है कि हम सब लोग मिलजुल के मन मुटाव खत्म करके कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। जिस ढंग से कर्नाटक से
जहां कन्याकुमारी से राव जी ने यात्रा की, आप सारे साथियों का सहयोग यहां पे मिला। मैं यहां पे पहुंच के भी आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी 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 साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ के बाद आज सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैसला यहाँ पे आया और हम महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इन चीजों से घबराते नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा शहादत भरा इतिहास यहाँ पे लिखा है। खून देके भी कांग्रेस को सींचना और हिंदुस्तान को मजबूत करना कांग्रेस ने अपना मन पक्का यहाँ पे रखा है। ऐसी चीजें राहुल गांधी जी को पीछे नहीं कर सकती और मैं समझता हूँ इससे राहुल गांधी जी और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसले को चुनौती दी जाएगी, लेकिन हम समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो क्रांति की लहर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रही है, यहाँ पे कर्नाटका से हिमाचल कर्नाटका और उसके बाद वो आंधी की आहट जम्मू कश्मीर में भी वो दस्तक देने के लिए जा रही है। हम समझते हैं कि भाजपा से ये सरकार फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो चुकी है, इसलिए भाजपा के नुमाइंदे को आगे करके उनको इन चीज़ों में घसीटने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है और ये फैसला आना ये अनफॉर्चुनेट है। हमें लगता है कि कांग्रेस इससे घबराएगी नहीं। आने वाले दिनों में 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी और ताकत के साथ उभर के आएंगे। आज उसी के सिलसिले में खोड़ जो सरहदी इलाका यहाँ पे है वहाँ पे भी राहुल गांधी जी के हक में और ये समर्थन के सिलसिले में ये लोगों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है। एक किस्म का ये प्रोटेस्ट है कि राहुल जी वो आगे बढ़े, वो किसी चीज़ें घबराए नहीं, हम सब लोग उनके साथ जाएंगे। किस तरह का हर जगह सिर्फ खोड़ के नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा और कांग्रेस आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा आज एक्सपोज हो चुकी है इस खोड़ के इलाके में। यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे कांग्रेस के थे मदनलाल शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, आज विकास देखने को मिलता तो वो उनके पीछे उनकी जो स्पिरिट थी, आज चाहे वो बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले लोग हों उनको सेफर प्लेसेस में ले जाना हो, बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो, रिसीविंग स्टेशन का निर्माण हो, और आज लोग महसूस करते हैं कि भाजपा को भगाना है, गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोगों को राहत देना है, और अगर उनको राहत देनी है तो भाजपा को भगाना पड़ेगा। 120 रुपए किलो टमाटर हो या अदरक 400 रुपए किलो हो, इन सब चीजों का विरोध करने के लिए और राहुल जी के समर्थन में ही वैसे भी श्रद्ध के राके में रहने राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का भरपूर सहयोग दिया, समर्थन दिया। एक आखिरी सवाल, हमारे जो अपने हक के और रियासत के लिए लड़ते थे लेकिन आज के जो हमारे सांसद हैं जम्मू कश्मीर से वो तो वहाँ बात करके राजी नहीं है। वो आज के जो सियासतदान हैं वो जो संसद में हैं वो तो झूठ बोलते हैं कि मेट्रो चला दी है हमने। आज वो संसद के समझते हैं कि मदनलाल शर्मा जी का जो योगदान था, नौजवानों के हक की बातें करते थे, रेलवे लाइन बिछाने की जगह जगह की बातें करते थे, आज तो 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम है, कोई बात करने के लिए तैयार यहाँ पे नहीं। संसद में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाला कोई सच्चा वो आदमी दिखाई नहीं यहाँ पे दिया। यहाँ पे बेरोजगारी है, हमारी रियासत के टुकड़े हो गए, यूटी में कन्वर्ट कर दिया, ये आम लोग जम्मू कश्मीर के तरह तरह कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई संसद भी बोलने के लिए तैयार नहीं। जम्मू जम्मू करने वाले लोग भी भाजपा में शामिल हो गए, क्या इसलिए शामिल हुए कि जम्मू मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें खोली जाएं, राशन डिपो काम खोले जाएं, रिक्रूटमेंट स्कैम में और ज़्यादा इजाफा हो जाए, लेकिन आज इस वक्त जो प्रोटेस्ट यहाँ पे है कि राहुल गांधी जी के समर्थन में जो फैसला आया है वो अनफॉर्चुनेट है। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी चुनौती भी जरूर देगी और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 2024 में राहुल गांधी और ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेंगे।